सपा ने इस बार भी कन्नौज सीट पर अपने परिवार पर ही भरोसा जताया है। तेज प्रताप यादव सिंह को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में कन्नौज सीट से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव चुनाव हार गई थी और बीजेपी के सुब्रत पाठक ने जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी ने पाठक को ही टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप के मैदान में उतरने से लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। तेज प्रताप सिंह इटावा जिले के सैफई के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई विदेश में की। उनकी शादी लालू यादव की बेटी राज लक्ष्मी के साथ हुई है। सपा ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से उतारा था और 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से विजय हुए थे। वहीं बलिया लोकसभा सीट से सपा से सनातन पांडे दूसरी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वो मूल रूप से बलिया के ही रहने वाले हैं। सनातन पांडे मिर्ज़ापुर से डिप्लोमा की पढ़ाई करने के बाद गन्ना विभाग में इंजीनियर बने और वर्ष 1996 में नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा। 2002 में चिलकहर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और वो फिर 2007 में बलिया के चिलकहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने। परिसीमन के बाद चिलकहर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 2012 में सपा ने सनातन पांडे को बलिया के रसड़ा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार के बावजूद समाजवादी पार्टी ने उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री का पद से नवाजा। 2017 में सपा ने एक बार फिर से उन्हें रसड़ा से प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार सनातन पांडे को दोबारा हार का सामना करना पड़ा। इस बार सनातन पांडे तीसरे स्थान पर रहे। दो दो बार चुनाव हारने के बावजूद सनातन पांडे का कद सपा में कम नहीं हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें बलिया लोकसभा से प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भी सनातन पांडे को बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त से करीब 15,000 मतों के मामूली अंतर से हार गए। अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप का तेज कन्नौज में कितना काम आएगा और क्या सनातन ही सत्य है। कनारा बलिया में सनातन पांडे बुलंद कर पाते हैं या नहीं।